स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गियर द्वारा पारेषित शक्ति की वैल्यू। गियर द्वारा पारेषित शक्ति पावर ट्रांस बाई गियर, गियर द्वारा पारेषित शक्ति। यहाँ पे हम पिस सर्किल बनाते हैं दो मैटिक गियर्स का, यहाँ पे हम पिस सर्किल बनाते हैं दो मैटिक यहाँ मिलने वाले गियर्स का। ये ड्राइवर गियर है, ड्राइवर गियर, ये ड्रिवन गियर है, क्लॉकवाइज चलता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। हमने आपको बताया था कि ये पिच पॉइंट है, पिच पॉइंट यहाँ पे स्पर्शीय बल लगता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, एफ टेंजेंशियल फोर्स एफ है। मान लीजिए कि इसका पिच रेखीय जो गति है वो वी है, माना गियर की पिच रेखीय वेग इक्वल टू वी मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए गियर जो है रोटेट कर रहा है तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है टी टाइम में। मान लीजिए गियर है यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक टी टाइम में, टी टाइम में एक्स डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, एक्स डिस्टेंस ये चल रहा है। लेट गियर एक्स डिस्टेंस टी टाइम में चलता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी वही मतलब पिच रेखीय वेग, पिच रेखीय वेग इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, एक्स डिस्टेंस टी टाइम में ट्रेवल कर रहा है। अब हम निकालेंगे कि गियर के थ्रू कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है। पावर ट्रांसमिशन बाई गियर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम। अब गियर के थ्रू, गियर जब रोटेट कर रहा है तो इसके थ्रू जाहिर सी बात है कुछ वर्क डन हो रहा होगा, कुछ कार्य हो रहा होगा। तो कार्य क्या होता है, बल इनटू विस्थापन, चूंकि दोनों मेश करके चल रहे हैं, मेश करके चलेंगे तो इस पिच पॉइंट पे एक स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल फोर्स एफ वर्क करेगा। तो हम अगर कहें कि गियर कितना कार्य कर रहा है तो गियर द्वारा किया गया कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू एफ हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, वो एक्स कर रहा है, टी समय में एक्स डिस्प्लेसमेंट वो कर रहा है। पी इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पी इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स है एफ और डिस्टेंस है एक्स अपॉन टी, एक्स डिस्टेंस ही तो ट्रेवल कर रहा है। नाउ पी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इनटू एक्स बाई टी, हो जाएगा वाट। एक्स बाई टी को हमने क्या कहा था, पिच रेखीय वेग है जिसका, इसकी वैल्यू है वी। तो पी इज इक्वल टू एफ इनटू वी, ये हो जाएगा वाट। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टी टाइम मतलब यूनिट टाइम में किया गया जो कार्य होता है
वही होता है पावर की वैल्यू। अब यहाँ पे x और x by t साइड में ले लेंगे, जिसकी वैल्यू होती है v, पिच रेखीय वेग, तो हो जाएगा f into v watt। ये पावर ट्रांसमिटेड बाई गियर हो जाएगा, गियर के थ्रू कितना पावर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।